अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजर यूब और आप देख रहे हैं दक्षिण आप टाइम्स। टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म की अगर बात करें सबसे पहले हमारे जहन में जो है कश्मीर आता है, लेकिन कश्मीर डिवीज़न के अलावा जो हमारा जम्मू डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न में भी जम्मू के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो है काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को जो है मिलती है। लेकिन खिताई चिनाब की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ही जगहें हैं जहाँ पर जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपना जो है काम बखूबी अंजाम दिया है। जैसा कि हम भद्रवाह की बात करें, भद्रवाह को जो है छोटा कश्मीर या भद्रकाशी वगैरह के नाम से जो है जाना जाता है, वहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन भद्रवाह के ही अगर जो टूरिज्म अथॉरिटी, वहाँ पर जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसी के अंडर जो है ठाठरी सब डिवीज़न भी आता है, लेकिन आज तक जो है हमें ठाठरी में टूरिज़्म की तरफ से जो है कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट जो है नज़र नहीं आई। तो हाल ही में जो अभी बैक टू विलेज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके अलावा जो है ब्लॉक दिवस भी पिछले दिनों हुआ, आपने देखा होगा चिनाब टाइम में हमने जो है टूरिज़्म ऑफिशियल से भी बात की कि ठाठरी में जो है अभी तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी टूरिज़्म की तरफ से कोई चीज़ क्यों नहीं बनी। तो उनने जो है उस वक्त कहा था कि एक TRC बिल्डिंग बनने वाली है, एक पार्क बनने वाली है और भी एक जगह का जिक्र किया था। तो आज हम जो है हमें जो एक कॉल आया उसके बाद हमें मालूम हुआ कि जो है आज जो है TRC बिल्डिंग के लिए जो है जो लैंड रिकोगनाइज की गई थी, उस लैंड को जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी की तरफ से हैंड ओवर किया गया भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब वहाँ पर जो है TRC बिल्डिंग बनेगी। जैसा कि हमने बताया जो बग विलेज है ठाठरी के अंदर, उसके एंडिंग में जो है बारशाला वाली साइड से जो है ओपोजिट टू हेलीपेड ठाठरी तक जो है एक गंडोला लगेगा। उसके अलावा जो जो हेलीपेड है उसको भी थोड़ा डेवलप करके जो थोड़ा सा जो है उसको एक्सपेंड करके एक पार्क बनाया जाएगा जहाँ पर जो ठाठरी के लोग जो है सैर करने जा सकते हैं। उसके अलावा जो गंडोला सर्विस है वो हेलीपेड से बग की तरफ जो है लगेगी, ऐसा इनका कहना है। जैसा कि SDM ठाठरी अतरमीन जरगर ने हमारे साथ बात की। सर, आज जो यहाँ पर जो TRC के लिए जो है लैंड जो आपने हैंड ओवर की टूरिज्म डिपार्टमेंट के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ पर हमारे BDA भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्शन साहब आए थे, इनके AEE साहब थे, इनके JEE साहब थे, फील्ड स्टाफ था, हमारे तहसीलदार साहब थे। तो जो ये स्टेट का लैंड है 9 कनाल और 6 मरले, आज हमने इसके पैक पॉइंट्स लगाए, इसको डिमार्केट करके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है हमने ये लैंड हैंड ओवर की। जैसे आपको याद होगा कि 15 अगस्त की स्पीच में हमने आपसे वादा किया था कि जल्द से जल्द कुछ ही दिनों के अंदर ठाठरी में TRC बनेगा, तो उसी की शुरुआत हो चुकी है। वेडनेसडे को इसकी इनॉग्रेशन है। इसमें ठाठरी के लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ से जिप लाइन बन रही है आगे, और जहाँ आपका हेलीपैड वगैरह है वहाँ ठाठरी के लोगों को बैठने की, शाम को बच्चे बाहर लेने की कोई जगह नहीं थी। बहुत ही आलीशान जो है यहाँ पर एक पार्क बनेगा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा टूरिज्म के लिए। और जो ये जिप लाइन गंडोला लग रहा है ये अपने आप में एक यहाँ पे मिसाल होगी, और हम उम्मीद करते हैं इसी से जो ये पहला कदम है इससे आगे ठाठरी की ज्यादा से ज्यादा जो है ये डेवलपमेंट होगी। वेडनेसडे को इसका इनॉग्रेशन है। वर्दी DDC साहब के हाथों से हम लोगों को दावत करते हैं कि वो मास्क वगैरह लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके यहाँ जरूर आए। ये एक खुशी का मौका है जहाँ पे ठाठरी ने डेवलपमेंट की तरफ एक और कदम उठाया। सर, ये TRC कब तक तैयार होगा? देखिए, अभी टाइमलाइन तो मैं कुछ देना चाहूंगा नहीं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन ये है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास सफिशियंट फंड्स जो है अवेलेबल है और ये इसको काम जो है इसी वेडनेसडे को शुरू कर रहे हैं। तो होपफुली 1.5 साल 1.5 साल के अंदर जो है ये सारा तैयार होगा और पब्लिक को हैंडओवर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना जो है अभी अतरमीन जरगा जो SDM ठाठरी हैं उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर जो TRC बिल्डिंग बनने जा रही है, इनके कहने के मुताबिक जो है अभी 1.5 साल 1.5 साल में जो है बिल्डिंग कंप्लीट होगी। उसके अलावा जो है हेलीपैड में जो है हेलीपैड के पास जो है पार्क बनाई जाएगी, जिसको जो है थोड़ा जो है सर्कुलर रोड है उसके साथ जो है बराबर जो है मेटलिंग की जाएगी, उसके बाद वहाँ पर जो है पार्क बनेगी। तो इसके अलावा हमने वाइस चेयरमैन जो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी असगर खांडे हैं उनसे भी बात की, उनने भी इस मुतालिक जो है काफ़ी चीज़ें हमें बताई कि इस जगह को कैसे और कहाँ उसमें जो है क्या क्या बनाया जाएगा। सर, आज यहाँ पर जो है TRC बिल्डिंग के लिए जो लैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी गई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस चिनाब टाइम पे बात करने का मौका दिया। टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर की बिल्डिंग जो बनने जा रही है, असल में आज से बहुत पहले सेंक्शन होकर यहाँ पे ये बिल्डिंग आई थी, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कास्ट उस वक्त 90 लाख थी और 60 लाख रिलीज़ भी हुआ था। और ये जो आर्मी जो 26 RR का यहाँ कैंप है उसके नीचे स्टेट लैंड थी, वहाँ ऑक्यूपाई की थी ज़मीन, लेकिन सिक्योरिटी वजूहत की बिना पे वहाँ ये बिल्डिंग नहीं बन सकी। और अब ये बिल्डिंग जो है एक पार
हेलीपैड के सीधे पार पार जाके यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ देख ली ज़मीन, और आज यहाँ हमारे SDM आदर अमीन जरगर साहब की सरबराही में वहाँ निशानदेही लगी, जिसमें टूरिज्म के हमारे एक्सिन साहब, AWE साहब, उनके जेई और बाकी स्टाफ वहाँ आया हुआ था, उन्होंने निशानदेही दी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो इस साइड हेलीपैड है, जो इस आज की तारीख में जो खस्ता हाली का शिकार है, उसकी दीवारें गिर चुकी है, और टूरिज़्म वहाँ जो बिल्डिंग बनेगी उससे ये फ़ायदा है कि उसको भी वो डेवलप करेंगे एक पार्क की शक्ल में, और एक बहुत बड़ी पार्क वहाँ बनेगी जो हमें लोगों को वहाँ बैठने के काम आएगी, और साथ साथ में वहाँ एमरजेंसी में जहाज़ भी लैंड हो सकता है। दूसरा, वहाँ एक टूरिज़्म ने एक गंडोला भी वहाँ सेक्शन किया जो हेलीपैड से सीधे पार बारशाला की तरफ चलेगा, जिस गंडोला टाइप में वो जो झूला बनेगा उसमें एट ए टाइम 6 आदमी सफ़र कर सकेंगे, और इस तरह से टूरिज़्म कल्चर यहाँ ठाठरी में डेवलप होगा। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब SDM आतर अमीन जारगर साहब का, अपने तहसीलदार साहब का, दूसरे यहाँ के जो पटवारी साहिबान हैं, और खसूसी तौर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे डोडा में हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खसूसी तवज्जो इस पे दी, और ज़मीन यहाँ जो थी वो इसके लिए उन्होंने आज यहाँ डिमार्केशन दी, और मुझे आज बताया गया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ फाउंडेशन स्टोन डाल के टूरिज़्म सेंटर जो है उस बिल्डिंग के टेंडर करके काम शुरू करेगी। इसी के साथ देखते रहें दचनाब टाइम्स। आप दचनाब टाइम्स को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.dachnabtimes.com को विज़िट करके खबरें मौसूल कर सकते हैं।